ये वाक्य हैरानकुन भी है और दिमाग को गिरफ्त में भी ले लेता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से पूछा, या बारी ताला, इंसान आपकी नेमतों में से कोई एक नेमत मांगे तो क्या दोगे? अल्लाह ने फरमाया, सेहत। मैंने ये वाक्य पढ़ा तो मैं दंग होकर रह गया। सेहत अल्लाह ताला का हकीकतन बहुत बड़ा तोहफा है और कुदरत ने जितनी मोहब्बत और मनसूबा बंदी इंसान को सेहतमंद रखने के लिए की, इतनी शायद वो पूरी कायनात बनाने के लिए नहीं की होगी। हमारे जिस्म के अंदर ऐसे ऐसे निज़ाम मौजूद हैं कि हम जब इन पर गौर करते हैं तो अकल हैरान रह जाती। हम में से हर शख्स 4,500 बीमारियां साथ लेकर पैदा होता है। ये बीमारियां हर वक्त सरगर्म अमल रहती है, मगर हमारी कुव्वते मुदाफ़त, हमारे जिस्म के निज़ाम इनके हलाकत आफरीनियों को कंट्रोल करते रहते हैं। मसलन हमारा मुंह रोजाना ऐसे जरासीम पैदा करता है जो हमारे दिल को कमजोर कर देते हैं, मगर हम जब तेज तेज चलते हैं, जॉगिंग करते हैं या वॉक करते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है, हम तेज तेज सांस लेते रहते हैं। ये तेज तेज सांस इन जरासीम को मार देती है और यूं हमारा दिल इन जरासीमों से बच जाता है। मसलन दुनिया का पहला बाईपास मई 1960 में हुआ, मगर कुदरत ने इस बाईपास में इस्तेमाल होने वाली नाली लाखों करोड़ों साल कबल हमारी पिंडली में रख दी। ये नाली ना होती तो शायद दिल का बाईपास मुमकिन ना होता। मसलन गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन 17 जून 1950 में शुरू हुई, मगर कुदरत ने करोड़ों साल कबल हमारे दो गुर्दों के दरमियान ऐसी जगह रख दी जहाँ तीसरा गुर्दा फिट हो जाता है। हमारी पसलियों में चंद इंतहाई छोटी छोटी हड्डियां हैं, मगर ये हड्डियां हमेशा फालतू समझी जाती थी, मगर आज पता चला दुनिया में चंद ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके नरखरे जुड़े होते हैं। ये बच्चे इस आरजे की वजह से अपनी गर्दन सीधी कर सकते हैं, निगल सकते हैं और ना ही आम बच्चों की तरह बोल सकते हैं। सर्जनों ने जब इन बच्चों के नरखरों और पसली की फालतू हड्डियों का तजिया किया तो मालूम हुआ कि पसली की ये फालतू हड्डियां और नरखरे की हड्डी एक जैसी हैं। चनाचा सर्जनों ने पसली की छोटी हड्डियां काट कर हलक में फिट कर दी और यूं मजदूर बच्चे नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगे। मसलन हमारा जिगर जिस्म का वाहद उज्व है जो कटने के बाद दोबारा पैदा हो जाता है, और हमारी उंगली कट जाए, बाजू अलग हो जाए या जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा कट जाए तो ये दोबारा नहीं उगता, जबकि जिगर वाहद उज्व है जो कटने के बाद दोबारा उग जाता है। साइंसदान हैरान थे कि कुदरत ने जिगर में ये अहलियत क्यों रखी। आज पता चला जिगर उज्वे रईस है, इसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं और इसकी अहलियत की वजह से ये ट्रांसप्लांट हो सकता है। आप दूसरों को जिगर डोनेट कर सकते हैं। ये कुदरत के चंद ऐसे मौजजे हैं जो इंसान की अकल को हैरान कर देते हैं, जबकि हमारे बदन में ऐसे हजारों मौजजे छुपे पड़े हैं और ये मौजजे हमें सेहतमंद रखते हैं और हम रोजाना सोते हैं। हमारी नींद मौत का ट्रेलर होती है। इंसान की ऊंग, नींद, गहरी नींद, बेहोशी और मौत पांचों एक ही सिलसिले के मुख्तलिफ मराहल हैं। हम जब गहरी नींद में जाते हैं तो हम और मौत के दरमियान सिर्फ बेहोशी का एक मरहला रह जाता है। हम रोज सुबह मौत की दहलीज से वापस आते हैं, मगर हमें एहसास तक नहीं होता। दुनिया सेहत की इन चंद नेमतों में से शुमार होती है। ये जब तक कायम रहती है हमें इसकी कदर नहीं होती, मगर जो ही ये हमारा साथ छोड़ती है हमें फौरन एहसास होता है ये हमारी दीगर तमाम नेमतों से कहीं ज्यादा कीमती थी। हम अगर किसी दिन मेज पर बैठ जाएं और सर के बालों से लेकर पांव की उंगलियों तक सेहत का तखमीना लगाएं तो हमें मालूम होगा हम में से हर शख्स अरबपति है। हमारी पलकों में चंद मसल होते हैं, ये मसल हमारी पलकों को उठाते और गिराते हैं। अगर ये मसल जवाब दे जाए तो इंसान पलके नहीं खोल सकता। दुनिया में इस मर्ज का कोई इलाज नहीं। दुनिया के 50 अमीर तरीन लोग इस वक्त इस मर्ज में मुबतला हैं। ये सिर्फ अपनी पलके उठाने के लिए दुनिया भर के सर्जनों और डॉक्टरों को करोड़ों डॉलर देने के लिए तैयार हैं। हमारे कानों में कबूतर के आंसू के बराबर माया होता है। ये पारे की किस्म का एक लिक्विड है। हम इस माये की वजह से सीधे चलते हैं और ये अगर जाया हो जाए तो हम सीमत का तयन नहीं कर पाते।
हम चलते हुए चीजों से उलझना और टकराना शुरू कर देते हैं। दुनिया की सैकड़ों हजारों उम्र आंसू के बराबर इस कतरे के लिए करोड़ों डॉलर देने के लिए तैयार हैं। लोग सेहतमंद गुर्दे के लिए 30-40 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। आंखों का कर्निया लाखों रुपए में बिकता है। दिल की कीमत लाखों करोड़ों में चली जाती है। एक आपकी एड़ी में दर्द हो तो आप इस दर्द से छुटकारे के लिए लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुनिया के लाखों अमीर लोग कमर दर्द का शिकार हैं। गर्दन के मोहरों की खराबी इंसान की जिंदगी को अजीर्ण कर देती है। उंगलियों के जोड़ों में नमक जमा हो जाए तो इंसान मौत की दुआ मांगना शुरू कर देता है। कब्ज और बवासीर ने लाखों करोड़ों लोगों की मत मार दी। दांत और दाढ़ का दर्द रातों को बेचैन बना देता है। आधे सर का दर्द हजारों लोगों को पागल बना रहा है। शुगर, कोलेस्ट्रोल और ब्लड प्रेशर के अद्वैयात बनाने वाली कंपनियां हर साल अरबों डॉलर कमाती हैं। आप अगर खुदा ना खास्ता किसी जल्दी मर्ज का शिकार हो गए हों तो आप जेब में लाखों रुपए डालकर फिरेंगे मगर आपको शिफा नहीं मिलेगी। मुंह की बदबू बज़ाहिर मामूली मसला है मगर लाखों लोग हर साल इस पर अरबों रुपए खर्च करते हैं। हमारा मैदा बाज़ औक़ात कोई खास तेज़ाब पैदा नहीं करता और हम नेमतों से बरी इस दुनिया में बेनेमत होकर रह जाते हैं। हमारी सेहत अल्लाह ताला का खसूसी करम है मगर हम लोग रोज इस नेमत की बेहुरमती करते हैं। हम अगर रोज अपने बिस्तर से उठते हैं, हम जो चाहते हैं वो खा लेते हैं और ये खाया हुआ हजम हो जाता है। हम सीधा चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, झुक सकते हैं और हमारा दिलो दिमाग, जिगर और गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं। हम आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन, हाथों से छू, नाक से सूंघ और मुंह से चख सकते हैं तो फिर हम सब अल्लाह ताला के फजल के करम के कर्जदार हैं और हमें इस अजीम मेहरबानी पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि सेहत वो नेमत है जो अगर छिन जाए तो हम पूरी दुनिया के खजाने खर्च करके भी ये नेमत वापस नहीं ले सकते। हम अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं कर सकते। या अल्लाह तेरा शुक्र है।